ताकत खुदा बुजुर्ग कोई इसका मकसद है। यहाँ पे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आज ऐसे मुकद्दस जुलूस में यहाँ जमा हुए हैं, आज जिनकी आमद इस दुनिया में हुई वो रहमतुल आलमीन है, सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं, जो सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नहीं बोल सकते, सारी इंसानियत के लिए आए। उनका पैगाम जिस तरीके से उन्होंने हमें राह जिंदगी दिखाई, जिस तरीके से आगे बढ़ना सिखाया, जिस तरीके से इंसाफ करना सिखाया, जिस दौर में इस दुनिया तारीकी में थी उस दौर में रोशनी का एक चिराग उन्होंने जलाया, आज वो चिराग पूरी दुनिया में बैठा फैला हुआ है। आज ऐसी शख्सियत के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं जिनके वजूद से हमारी पहचान है, अगर वो वजूद नहीं होता तो हमारी कोई पहचान नहीं होती। मैं आपसे चाहूंगा कि उनके तालीमात पर गौर करें। उन्होंने हमें बताया था कि जब बोले तो सच बोलो, जब तोलो तो सही तोलो, जब कुछ करो तो सही करो, सबके साथ इंसाफ का मामला करो, चाहे वो हमारी बहनें क्यों ना हो, हम हमारी बहनों को इंसाफ नहीं करते उनके साथ, उनको हमारे से कम समझती हैं, उनको हमारे साथ आगे चलने के लिए कदम से कदम बढ़ाने के लिए मौका हम नहीं देते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम सब एक हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो कलर का फर्क हो, चाहे वो जात का फर्क हो, चाहे वो धर्म का फर्क हो, कोई भी फर्क अल्लाह के सामने नहीं है, क्योंकि सब अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस दुनिया में किसी भी मजहब का क्यों ना हो, किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे वो काला है, गोरा है, पीला हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। सबके लिए पैगाम हुजूर ने लाया और इंसाफ का पैगाम लाया। अगर आपके किरदार में उनके तालीमात नहीं है तो आप उनके सच्चे मानने वाले नहीं है। ये पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मेरे दोस्त नाना साहब यहाँ है, मौजूद हैं, मैं उनको हमेशा से हर साल वो हमें बुलाते हैं, जवाहर साहब कहीं भी रहे वो भी आ जाते हैं, और खुशी की बात है कि हरिंद भाई भी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है।